n सेकंड का सबको पता है, n सेकंड में क्या डिस्टेंस का होता है, ध्यान से देखें। मान लो हमसे पूछा डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकंड, देखो बेटा ध्यान से, 0 से 1 क्या होता है फर्स्ट सेकंड, 1 से 2 ये सेकंड सेकंड है, 2 से 3 ये थर्ड सेकंड है, 3 से 4 ये फोर्थ सेकंड है, और ये क्या है 5th सेकंड है। हमसे पूछा डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड, नॉट n सेकंड, nth सेकंड, देखो ये डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, nth सेकंड, तो बेटा 0 से 1 होता है फर्स्ट सेकंड, 1 से 2 सेकंड, 2 से 3 थर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकंड मान लो पूछ लिया कि इस पर्टिकुलर सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, कितना ट्रैवल हुआ डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकंड, एक पर्टिकुलर सेकंड में, तो आप मेरे को बताओ डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकंड। So distance covered in 5 seconds minus distance covered in 4 seconds is that distance covered in 5th second. Yes, is that distance covered in 5th second. 5 second mein jitna travel kiya usme se 4 second ka hata do to 5ve second ka distance mil jayega, hai ki nahi, hai na, bahut badhiya. So distance covered in 5th second is equals distance covered in 5 seconds minus distance covered in 4 seconds, hai ki nahi. S in nth is equals to sn minus sn minus 1, hai na, 5 aur n minus 1. Agar nth second ka distance chahiye to n second mein jitna travel kiya usme se n minus 1 ko hata do to kya milega nth ka, aur feel karte hain. Main puchu what is the distance covered in second second, isme kitna distance cover hua, to is pure mein se isko hata do. डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड सेकंड, तो हम लिख सकते हैं s2 minus s1, बोलो सही, अच्छा इसको यहीं पे लाना था, चलो इसको डाल देंगे। डिस्टेंस कवर्ड इसको नोट कर लो, मान लो डिस्टेंस कवर्ड इन 4th सेकंड पूछे, तो क्या होगा डिस्टेंस कवर्ड इन 4th सेकंड यानी ये, ठीक इसको नोट कर लेना, समझ आना पड़ेगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 4th सेकंड यानी ये, यानी डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड्स माइनस 3 सेकंड्स, तो ये मिल जाएगा 4 सेकंड डिस्टेंस में से 3 को हटा दो तो 4, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 4th माइनस कवर्ड इन 3, यानी n सेकंड का डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस कवर्ड इन n माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन n माइनस 1, डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड डिस्टेंस कवर्ड इन n माइनस डिस्टेंस इन n माइनस 1, याद रहेगा ये, ठीक है, यहां साइड में लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन, मान लो हमने पूछा 3 सेकंड, क्या होगा डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड्स माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकंड, 3 सेकंड चाहिए तो 3 में से 2 सेकंड काटा दो थर्ड का मिल जाएगा, क्लियर हो गया। डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 4 और उसमें से थर्ड 3 काटा दो, 4 सेकंड कितना किया माइनस 3 सेकंड कितना किया तो बचा कितना 4 सेकंड का बचा, डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड s4 माइनस s3 ये मिल जाएगा, तो sn माइनस sn माइनस 1, ये फार्मूला कब वैलिड है बेटा, ये फार्मूला ऑलवेज वैलिड है, चाहे एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो चाहे एक्सीलरेशन कांस्टेंट ना हो, ऑलवेज वैलिड डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, ऑलवेज वैलिड। दूसरा फार्मूला बता रहा हूं डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, अब ये कब वैलिड होगा जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, क्या फॉर्मूला है u plus a by 2 2n minus 1, पर ये कब वैलिड है, क्या फॉर्मूला है u plus a by 2 2n minus 1, दिस इज डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, तो क्या ये फॉर्मूला यहां वैलिड नहीं है, है, पर यहां के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला भी बना है जो और आसान करता है सवाल, ये हमेशा वैलिड है तो लॉजिक पे बना है, डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकंड डिस्टेंस कवर्ड इन 5 माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 4, और ये पर्टिकुलर केस है sn is equal to u plus a by 2 2n minus 1, चलो सवाल देखते हैं। सो सीबीएसई एआईपीएमटी